माँ ब्रह्मचारिणी की आशीष से खुलता है सौभाग्य का दरवाजा। नवदुर्गाओं का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रों के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का ही रूप है। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। इनका रूप अत्यंत मनोहर और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। माँ को चीनी का भोग लगता है और ब्राह्मण को भी दान में चीनी ही दी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली में विराजमान बुरे ग्रहों की दशा सुधरती है और व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं। यही नहीं, इसकी पूजा से भगवान महादेव भी प्रसन्न होकर भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान कर पूजा करने के स्थान पर साफ सफाई करनी चाहिए। माँ के चित्र के सामने, प्रतिमा के सामने पुष्प, दीपक, नैवेद्य आदि अर्पण कर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही आसन पर विराजमान होना चाहिए। इसके बाद माँ के सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। निश्चित रूप से विश्वास आस्था के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से आपकी किस्मत, आपके भाग्य का दरवाजा जरूर खुलेगा।